पहली महिला फाइटर पायलट होने का क्या आपके क्या भावनाएं हैं आपके मन में? पहली हमेशा एक शुरुआत होती है, तो अगर किसी की शुरुआत यहाँ से है तो ये बहुत ही अच्छी फीलिंग है और आई होप कि आगे चलकर ये और भी रास्ते खोल रही। आप इस वक्त कौन सा एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रही हैं अवनी, और किस तरह से यहाँ तक आप पहुँची एक फाइटर पायलट के तौर पर, और सबसे ख़ास बात कि पहली महिला फाइटर पायलट वायुसेना बनने का मौका मिला? फिलहाल मैं MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट फ्लाइंग कर रही हूँ, और इसके पहले हम तीनों ने पहले पिलाटस उड़ाया बेसिक स्टेज पे, उसके बाद किरण में हमने अपनी ट्रेनिंग करी, फिर हमने हॉक में अपनी फाइटर जेट ट्रेनर में अपनी ट्रेनिंग करी, उसके बाद हमें रिस्पेक्टिव स्क्वाड्रन्स में MiG-21 उड़ाने के लिए भेजा गया। पहली महिला पायलट होना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एक पायलट होना। सो जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, स्कॉन में होते हैं, तो उस टाइम पे हम ये अपने दिमाग में ये प्रेशर नहीं लेते या सोचते नहीं है कि हम पहली हैं और हम महिलाएं हैं, नहीं, हम अपने सिलेबस करने में अपना बेस्ट देने में फोकस रखते हैं। आप क्या सोचते हैं मोना, क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि आप तीनों पहली फाइटर महिला फाइटर पायलट हैं वायुसेना की। जैसा कि अवनी ने कहा, जब हम काम पर होते हैं उस वक्त ये चीज़ हमारे दिमाग में नहीं होती है, ऐसे जो अवसर आते हैं जिसमें कोई पुरस्कार या सम्मानित किया जाता है उस वक्त ज़रूर एक गौरवान्वित होते हैं, बहुत ही अच्छी भावना होती है कि और भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं और उससे प्रेरणा ले रहे हैं। अब बात करें कि यहाँ तक पहुँचने की जो सफ़र रहा है परिवार से लेकर यहाँ, किस तरह से रहा है, आपने कैसे अपनी पढ़ाई की और यहाँ तक जो सफ़र रहा, कैसे आपका सिलेक्शन हुआ है? अगर बात करें सफ़र की, तो ये बहुत ही आम लोगों की तरह है, स्कूल कॉलेज पढ़ाई, फिर एग्ज़ाम क्लियर करके एयरफोर्स में आ गई। तो सफ़र अगर कहा जाए तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे माँ बाप का रहा है, जिन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं, उन्होंने बोला जो इच्छा है वो करो, तो शायद उन्हीं की वजह से आज मैं आखिरकार अपने सपनों को जी पा रही हूँ। आपकी बात करें तो परिवार से और वायुसेना से किस तरह का सपोर्ट आपको मिला, क्योंकि ये रास्ता आसान नहीं था, अभी तक महिलाओं को कॉम्बैट रोल देना मुश्किल था सेनाओं में, लेकिन वायुसेना ने आपको फाइटर पायलट के तौर पर मौका दिया, परिवार से लेकर वायुसेना का किस तरह का सहयोग मिला? बचपन से ही कभी घर पर किसी तरह की रोक टोक नहीं रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ घूमना है कहाँ नहीं घूमना है, तो शुरू से ही मुझे और मेरे बड़े भाई हैं, हम दोनों को घर पर बराबर कहूँगी कि अपॉर्चुनिटी दी गई है पेरेंट्स के द्वारा। उसके अलावा जब हम कॉलेज में आए तो मेरे फ्रेंड्स भी बहुत सपोर्टिव थे, और जब एयरफोर्स ज्वाइन किया तो हमारे कोर्समेट, हमारे इंस्ट्रक्टर्स, सबने बहुत सपोर्ट किया। और मैं कहना चाहूँगी कि एयरफोर्स में लड़ाकू रोल में, कॉम्बैट रोल्स में लड़कियाँ पहले से हैं, हमारे पास फाइटर कंट्रोलर्स, कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट्स बहुत ही पहले से हैं, कारगिल के टाइम से हमारे पास में हैं, तो हम लोग कॉम्बैट फाइटर कॉम्बैट में आने वाली पहले महिलाएँ थे, हालाँकि कॉम्बैट रोल में भारतीय वायुसेना में महिलाएँ पहले से हैं। आपके लिए कैसा रहा सफ़र, खासतौर से परिवार, और जब आपने वायुसेना ज्वाइन की किस तरह का सपोर्ट या किस तरह की मुश्किलात रहीं आपके लिए? प्रेरणा का स्रोत मेरा परिवार ही था, क्योंकि मेरे पिताजी और उनके पिताजी सब एयरफोर्स में ही सर्व करके गए हैं, तो बचपन से जब उनको यूनिफॉर्म में देखा था तो एक आशा होती थी कि मैं भी किसी दिन इस मुकाम पर पहुँचूँ। इतिहास रचा है भारतीय तीनों सेनाओं में, खासतौर से वायुसेना में पहली बार तीन महिला फाइटर पायलट के तौर पर, और आज उनका सम्मान, देश उनका सम्मान कर रहा है।